पोस्टीरियर पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी देंगे कि पीसीएल क्या होता है, किसका बना होता है, कितना बड़ा होता है और इसमें कैसे चोट लगती है और इसको ठीक कैसे किया जाता है। मेरा नाम डॉक्टर मनु वोरा, मैं एक ऑर्थोपेडिक सर्जन और आर्थ्रोस्कोपिक एक्सपर्ट हूँ टीम ऑर्थोस्कोप। तो दोस्तों, घुटने के अंदर जो लिगामेंट होता है पीसीएल पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट, वो सबसे मोटा वाला लिगामेंट होता है जो घुटने के पीछे रहता है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। ये इसकी जो लेंथ होती है वो लगभग 11 से 13 mm के बराबर होती है और ये वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट लिगामेंट है घुटने के अंदर। दोस्तों, पीसीएल का काम होता है आपकी जो नीचे वाली हड्डी टीबिया उसको पीछे जाने से रोकता है। इसमें इंजरी आपको डायरेक्ट हिट से लग सकती है, एक्सीडेंट से लग सकती है, कई बार स्पोर्ट्स इंजरीज भी होती है। तो जनरली जो मोड ऑफ इंजरी रहती है वो, दोस्तों, अगर आप कार के अंदर इस तरह से घुटना मोड़ के बैठे हैं और एकदम से कार का एक्सीडेंट हुआ तो आपका जो पैर है, मुड़ा हुआ पैर, वो आगे डैशबोर्ड पर टकराता है इस तरह से, और जब डैशबोर्ड पर टकराता है पैर तो ये पीछे पीसीएल को तोड़ देता है। सो ये एक बड़ी टिपिकल मोड ऑफ हिस्ट्री रहती है लोगों की कि मेरा सर घुटना मुड़ा हुआ था और मुड़ा हुआ घुटना मेरा आगे कहीं से भिड़ा, या तो डैशबोर्ड से भिड़ा, या फिर अगर मेरा एक्सीडेंट हुआ तो मैं नीचे गिरा, तो नीचे गिरा भी मेरा घुटना मुड़ा हुआ था, उसमें मेरा आगे वाली जो टीबिया की हड्डी है वो कहीं पे टकराई और मेरा पीसीएल टूट गया, आवाज़ एक कट करके, और एकदम से घुटने में बहुत दर्द हुआ और मैं उस पर लोड नहीं ले पाया। एक बार ये टूट जाता है दोस्तों तो कुछ सिम्टम्स आते हैं कि आपको दर्द हो सकता है, घुटने में सूजन रहेगी इनिशियली, धीरे 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 दर्द और सूजन कम हो जाएगी, पर आपको घुटने में लचक आने लगेगी, आप जैसे ही लोड लेंगे आपका घुटना पीछे की तरफ फिसलेगा। दूसरा, कई बार कुछ लोगों का घुटना पूरी तरह से मुड़ता नहीं है, यहाँ तक रुक गया, इसके बाद नहीं मुड़ेगा, क्योंकि पीछे जो पीसीएल के टुकड़े होते हैं फंसे हुए रहते हैं, मुड़ने से बचाते हैं। सो आपको लॉस ऑफ बेंडिंग हो सकती है, इनस्टेबिलिटी हो सकती है, पेन हो सकता है, इस तरह के सिम्टम्स आ सकते हैं। पीसीएल इंजरी दोस्तों एसीएल इंजरी से कम कॉमन होती है, तो ज़्यादा एसीएल टूटते हैं, कम पीसीएल टूटते हैं। पीसीएल इंजरी के लिए बहुत तेज़ ट्रॉमा लगना ज़रूरी है, तो पीसीएल इंजरी के साथ साथ मल्टी लिगामेंटस इंजरी भी आ सकती है, जैसे एमसीएल टूटा हुआ हो सकता है, एसीएल टूटा हुआ हो सकता है, एलसीएल टूटा हुआ हो सकता है, पोस्टीरियर लेटरल कॉर्नर टूटा हुआ हो सकता है। तो जब भी पीसीएल इंजरी आती है तो बहुत ज़रूरी इवेल्यूएट करना कि आखिर बाकी लिगामेंट हमारे सही हैं या नहीं है। क्यों? क्योंकि पीसीएल इंजरी तभी होती है जब सीवियर ट्रॉमा होता है, सीवियर ट्रॉमा में आपके बाकी लिगामेंट्स की इंजरी भी हो सकती है। तो दोस्तों, एक बार इंजरी हो गई और आप डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर कुछ टेस्ट करके पता लगाता है कि आपका पीसीएल टीयर है या नहीं है। पहले टेस्ट का नाम है पोस्टीरियर ड्रॉवर टेस्ट, उससे मालूम पड़ सकता है। दूसरा है सैक टेस्ट, उससे ही मालूम पड़ सकता है। ये दो टेस्ट करने से मालूम पड़ जाता है कि आखिर आपका पीसीएल टूटा हुआ है या नहीं है। हम दोस्तों पोस्टीरियर सैक टेस्ट के अंदर पेशेंट का जो नी है उसको इस तरह से 90 डिग्री बेंड करते हैं टेबल पे। तो जैसा कि ये देख पा रहे हैं, अगर पीसीएल होगा तो आपका ये जो टीबिया है ये नीचे की तरफ नहीं आएगी, क्योंकि पीसीएल इसको रोक के रखेगा। अगर पीसीएल टूटा हुआ होगा तो आपकी टीबिया पीछे की तरफ सैग कर जाएगी, जिसको बोलते हैं पोस्टीरियर सैग। सो ये पोस्टीरियर सैग हम कंपेयर करते हैं आपके नॉर्मल लेग से। अगर आपकी इंजर्ड लेग का टीबिया पीछे आ रहा है जब आपकी नी बेंड कर रखी है तो उसको पोस्टीरियर सैग पॉजिटिव कहते हैं और ये पीसीएल टूटने को दर्शाता है। अब एक बार अगर इंजरी हो गई, आप इसको इग्नोर करेंगे तो धीरे धीरे आपका घुटना ख़राब हो जाएगा, क्योंकि जो पीसीएल चोट वजह से आपका जो घुटना हिल रहा है वो आपके धीरे धीरे मेनिस्कस और कार्टिलेज को डैमेज करेगा और नी की अर्थराइटिस होने लगेगी। तो अगर पीसीएल का ग्रेड 1 या 2 का टीयर है दोस्तों, जिसमें कम्प्लीटली नी टॉर्न हुआ है, तो हम इसको बिना सर्जरी के ठीक कर सकते हैं प्लेटलेट रिच प्लाज्मा इंजेक्शन की मदद से, पीआरपी इंजेक्शन। तो इसी में पीआरपी इंजेक्शन, वो आप ही के ब्लड से बनते हैं, आपके ब्लड से प्लेटलेट और प्लाज्मा निकालते हैं और वो हम आपके नी में इंजर्ट करते हैं, जो हमें पीसीएल टीयर को हील करता है, पर ये सिर्फ पार्शियल टीयर में काम में आता है। अगर दोस्तों आपके पीसीएल में हाई ग्रेड टीयर है, एक नियर कम्प्लीट टीयर है, एवल्जन टीयर, तो इसमें सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है। अगर टीबीएल एवल्जन है तो इसमें पीसीएल रिपेयर कर सकते हैं, आर्थ्रोस्कोपिक पीसीएल रिपेयर विद फाइबर टेप इंटरनल ब्रेस। तो हम आपका पूरा पीसीएल ओरिजिनल बचा लेते हैं और आपके एवल्जन को रिपेयर कर देते हैं। इसमें बड़े एडवांस इम्प्लांट्स यूज होते हैं, पीसीएल टाइटरोप यूज़ होता है और फाइबर टेप यूज़ होती है, जिससे इसको ढंग से पकड़ा जा सकता है सिर्फ दूरबीन की मदद से। अगर आपका ये पूरा टूट गया, बीच में से टूट गया है, तो इसको रिकन्स्ट्रक्शन की ज़रूरत पड़ती है। तो दोस्तों, पीसीएल रिकन्स्ट्रक्शन होता है, हम आप ही के मांसपेशी के टुकड़े से पीसीएल बनाते हैं हैमस्ट्रिंग टेंडन से। पर जब हम हैमस्ट्रिंग टेंडन को बॉडी से बाहर निकालते हैं
उसको साफ करते हैं तो हम उसकी ब्लड वेसल्स कट कर देते हैं, उसके बाद हम टीबिया में और फीमर में टनल बना के उस टेंडन को डालते हैं। सो दोस्तों 3 महीने तक आपका जो नया ग्राफ्ट है पीसीएल का, सो कोई खाना नहीं मिलता क्योंकि उसमें कोई ब्लड वेसल्स नहीं है, तो वो कमज़ोर होते रहते हैं। 3 महीने के बाद वो हड्डी से चिपकते हैं और उसमें ब्लड वेसल्स ग्रो करना चालू करती है, फिर वो मजबूत होते हैं। तो मजबूत होते होते उनको 6 से 9 महीने लग जाते हैं, जिसको बोलते हैं लिगामेंटाइजेशन, मतलब आपका जो पीसीएल है वो आपके टेंडन से बनाया गया, हैमस्ट्रिंग टेंडन से, अब वो धीरे 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 पीसीएल लिगामेंट में कन्वर्ट हो रहा है, इस प्रोसेस को बोलते हैं लिगामेंटाइजेशन। ये लिगामेंटाइजेशन कंप्लीट होने में कम से कम 9 महीने लग जाते हैं दोस्तों। सो 6 से 9 महीने बाद ही आपका पीसीएल मजबूत होता है जो आपके घुटने में पड़ा है। तो दोस्तों 6 महीने तक अगर आपका ग्राफ पीसीएल का कमज़ोर है तो इस सर्जरी को फेलियर से बचाने के लिए इसमें बहुत प्रिकॉशन लेने पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि आपका ग्राफ्ट ऑलरेडी 6 महीने तक कमज़ोर ही रहने वाला है। तो पीसीएल की सर्जरी के बाद 1.5 महीने तक आपको वज़न नहीं देना होता पैर में, अगर पैर पर वज़न देंगे तो आपका जो कमज़ोर ग्राफ्ट है वो टूट जाएगा या ढीला हो जाएगा। आपको घुटना बैंड नहीं करना होता, आप घुटना बैंड करेंगे तो वो ग्राफ्ट ढीले हो जाएंगे। सो 1.5 महीने तक ना तो आपको वज़न देना है ना आपको घुटना बैंड करना है, आपका पाँव सीधा रहेगा प्रेस में, फिर धीरे धीरे बैंडिंग चालू होती है। तो कहीं 4 महीने में कहीं जाके आप जॉगिंग कर पाते हैं, आपका नी बैंडिंग भी 3-4 महीने में आती है, और बैक टू रनिंग जाने में 6 से 9 महीने लग जाते हैं। अब इस बीच में कल को आपको चोट लग गई, आप गिर गए, झटका लग गया, एक्सीडेंट हो गया 6 महीने के दौरान, तो ये कमज़ोर जो पीसीएल है उसके टूटने के और डैमेज होने के चांसेस रहते हैं। सो दोस्तों ये सब कॉम्प्लिकेशन नहीं हो और हम जल्दी रिकवर हों, सक्सेस रेट भी अच्छा हो, इसके लिए इंटरनल ब्रेस एक अच्छा ऑप्शन रहता है। इंटरनल ब्रेस में दोस्तों हम क्या करते हैं, जो हमने आपका नया पीसीएल बनाया है, अब मुझे मालूम है ये नया जो पीसीएल है वो हैमस्ट्रिंग टेंडन से बनाया है और ये 6 महीने तक कमज़ोर रहने वाला है, तो मैं इसको फाइबर टेप से इंटरनल ब्रेस कर देता हूँ। तो फाइबर टेप क्या करती है, आपके नए लिगामेंट को बचा के रखती है, ना लंबा होने देती है, ना खींचने देती है, ना फटने देती है। अब दोस्तों ये फाइबर टेप लगाने के लिए मुझे ऊपर फीमर में और टीबिया में दोनों में ऑटोमेटिक लूप और बटन्स लगाने पड़ते हैं। अगर मैं नीचे स्क्रू लगाऊंगा तो फाइबर टेप आप स्क्रू के साथ यूज़ नहीं कर सकते। क्यों नहीं यूज़ कर सकते, क्योंकि फाइबर टेप को स्क्रू पकड़ नहीं सकता, स्क्रू में खड्डे नहीं होते जिसमें फाइबर टेप फिट हो जाए। जब हम नीचे बटन लगाते हैं तो बटन में होल्स होते हैं जिसके अंदर फाइबर टेप फिक्स हो जाती है और सेवल लॉक से हम इसको फिक्स करते हैं बोन के अंदर। सो नीचे बटन टीबिया में बटन होना ज़रूरी है फाइबर टेप इंटरनल ब्रेस करने के लिए, स्क्रू के साथ फाइबर टेप इंटरनल ब्रेस नहीं हो सकता है। एक बार फाइबर टेप इंटरनल ब्रेस हो गया तो आपके जो नया लिगामेंट है जो टेंडन से बना है उसको सपोर्ट मिल जाता है, ना वो लंबा होगा, ना खींचेगा, ना फटेगा, तो इसके अंदर आप जल्दी वेट बेयर कर सकते हैं। आप जल्दी 15 दिन के अंदर ही पूरा वजन देके चलना चालू कर देते हैं पीसीएल सर्जरी के बाद। आपकी नी बैंडिंग जल्दी चालू हो जाती है क्योंकि नी बैंड करने से ढीला नहीं हो सकता। सो 1.5 महीने में पीसीएल के पेशेंट 1 से 1.5 महीने में जॉगिंग करते हैं और 3 to 4 months में हम रनिंग इनिशिएट कर देते हैं, तो 50% आपका टाइम हम बचा लेते हैं। और कल को अगर जब तक ये कमज़ोर आप गिर जाओ तो ये टूटेगा भी नहीं, क्योंकि ये आपके इंश्योरेंस की तरह आपके नए लिगामेंट को बचाएगा। सो दोस्तों फाइबर टेप इंटरनल ब्रेस हमारे कंधे के अंदर, घुटने के अंदर, एंकल के अंदर हर सर्जरी में यूज़ होता है, जहाँ पे भी हम सॉफ्ट टिश्यू मतलब टेंडन या लिगामेंट का रिकंस्ट्रक्शन या रिपेयर करते हैं। क्यों? क्योंकि जो नया रिपेयर या रिकंस्ट्रक्शन था वो 6 महीने तक वीक रहता है, उसको बचाना ज़रूरी है, नहीं तो फेलियर में चला जाता है। तो फाइबर टेप इंटरनल ब्रेस बॉडी में हर जोड़ के आसपास किया जाता है ताकि जो नया रिपेयर रिकंस्ट्रक्ट है उसको हम बचा के रखें 6 महीने तक। एक बार मजबूत हो जाएगा आपका लिगामेंट 6 महीने के बाद, तब इसके टूटने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। तो दोस्तों पीसीएल से रिलेटेड अगर आपको और कोई भी जानकारी चाहिए तो आप हमें अपना एमआरआई व्हाट्सएप कर सकते हैं और मैं उसको डिटेल में स्टडी करके बताऊंगा आपके लिए सबसे बेस्ट इलाज कौन सा रहेगा। आपको और भी कोई सवाल हो तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं नीचे नंबर पर और हम आपकी करेंगे। PCL यानी कि पोस्टीरियर क्रूसिएट लिगामेंट इंजरी, तो इसके लिए इनिशियल स्टेज में एक्सरसाइजेस ज़रूरी है, और अगर एक्सरसाइजेस कर रहे हैं और फिर भी आपको इससे इम्प्रूवमेंट नहीं आ रहा है तो आपको सर्जरी के लिए ऑप्ट करना पड़ सकता है। तो आज की वीडियो में मैं एक्सरसाइज पार्ट को कवर करूंगा, तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो सबसे पहला एक्सरसाइज है वो है नी प्रेस एक्सरसाइज। तो इसके लिए आपको एक तकिया चाहिए और आप एक लॉन्ग सेटिंग पोजिशन में इस तरह से बैठ जाएंगे, ये देखिए, और फिर आप अपने जिस घुटने में पीसीएल इंजरी हुआ है उस घुटने के नीचे इस पैर को रख देंगे। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक्सरसाइजेस का सिग्निफिकेंस बताना चाहूँगा कि जो भी एक्सरसाइजेस हम मैं बताने वाला हूँ उसका मेन एम यही है कि आपके घुटनों के चारों तरफ जितने भी मांसपेशियाँ हैं उसको मजबूत करेंगे। आप घुटनों के मांसपेशियों को मजबूत करेंगे तो जब आप चलेंगे तो क्या होगा कि
बॉडी का जो वेट है वो आपके घुटनों के ऊपर ना जाकर आपकी जो मांसपेशियां हैं वो ले लेगा, कुछ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा वेट, और आपका जो हीलिंग प्रोसेस है पीसीएल इंजरी का उसमें आपको मदद मिलेगा और आपको पेन से भी काफ़ी हद तक राहत मिलेगा। तो ये एक्सरसाइजेस बहुत सिंपल है। सबसे पहले कि हमें घुटनों के नीचे तकिया रख लिया है, उसके बाद फिर आप इसे प्रेस करेंगे। प्रेस करने के बाद 1, 2, 3, 4, 5 सेकंड्स होल्ड करके रखेंगे, फिर आप रिलैक्स छोड़ देंगे, ठीक है। फिर से आप प्रेस करेंगे 1, 2, 3, 4, 5 होल्ड करके रखेंगे, रिलैक्स छोड़ देंगे। तो इस प्रोसेस को कम से कम आपको एक सेशन में 20 से 25 बार करना है। इसे वैसे जितना आप करेंगे उतना अच्छा है, ठीक है। इस एक्सरसाइज से आपका क्वाड्रिसेप्स मसल्स स्ट्रांग होता है। क्वाड्रिसेप्स मसल्स हमारे सामने घुटनों के सामने यानी कि थाइस के सामने जो मसल्स है, ये जो मसल्स है इसे हम लोग क्वाड्रिसेप्स मसल्स बोलते हैं। तो इसीलिए इस एक्सरसाइज को हम स्टैटिक क्वाड्रिसेप्स एक्सरसाइज भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है लेकिन हम क्वाड्रिसेप्स को हम कॉन्ट्रैक्ट भी कर रहे हैं, तो इसलिए इसको स्टैटिक क्वाड्रिसेप्स एक्सरसाइज बोलते हैं, ठीक है। अब जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो है एंकल फुट टो मूवमेंट। देखिए मैं अपने पंजों को इस तरह से ऊपर नीचे कर रहा हूँ, इसमें मेरा एंकल का भी मूवमेंट हो रहा है, टोज़ का भी मूवमेंट हो रहा है, फुट तो मूव हो ही रहा है। तो ये एक्सरसाइज भी ज़रूरी है ताकि आपके लोअर लेग के आसपास की मांसपेशियाँ मजबूत हों, कोई किसी भी प्रकार का कोई स्टिफनेस डेवलप ना हो, कोई वीकनेस डेवलप ना हो, तो इसीलिए ये एक्सरसाइज करने हैं। तो अब इसका भी कोई गिनती नहीं है, आप जितना करेंगे उतना अच्छा है। घर में बैठे हुए हैं, टीवी देख रहे हैं, कोई काम नहीं है, आप ये एक्सरसाइज इस तरह से कर सकते हैं। अगला जो एक्सरसाइज है वो आपको लेट के करना है। ये भी एक तरह से क्वाड्रिसेप्स मसल्स भी और आप हमारे हिप फ्लेक्सर्स मसल्स के लिए, दोनों के लिए है। इसे हम स्ट्रेट लेग रेस कहेंगे। तो आप सिंपली आपको अपने पैर को इस तरह से उठाना है और आप यहाँ नोटिस करेंगे कि मैं अपने घुटनों को पूरी तरह से सीधा रखा हूँ, मैंने इसे मोड़ा नहीं है, पूरी तरह से सीधा करेंगे और फिर अपने एंकल को यानी कि फुट को अंदर की तरफ खींच के फिर आप उठाएंगे, ठीक है। फिर से मैं आपको दोहरा देता हूँ, आप अपने एंकल को अंदर की तरफ खींचेंगे और फिर इसे आप उठाएंगे, ठीक है। इसे ज़्यादा नहीं उठाना है, 30 डिग्री तक उठाना है, 30 से 40 डिग्री तक। उसके बाद फिर आप इसे 5 सेकंड तक होल्ड करके रखें, 1, 2, 3, 4, 5 आप फिर नीचे रख देंगे। तो ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट एक्सरसाइज है कई लोगों के लिए जिनका पीसीएल इंजरी हुआ है। तो इसे आप 10 बार मिनिमम कर सकते हैं, 10 से ज़्यादा करेंगे तो अच्छा है। अब जो एक्सरसाइज है वो हमारे थाइस के बगल वाले मांसपेशियों को स्ट्रॉन्ग करना है, ठीक है। तो हमें थाइस के बगल वाले ये जो एक्सरसाइज मैं बता रहा हूँ इसे हम हिप एबडक्शन एडक्शन कहेंगे। ये देखिए मैं अपने पैर को बाहर की तरफ ले जा रहा हूँ, ये देखिए। तो इससे क्या है कि हमारे थाइस के बाहर वाले मसल्स भी मजबूत हो रहे हैं और अंदर वाले मसल्स भी मजबूत हो रहे हैं, यानी कि हिप एबडक्टर्स भी मसल्स हो रहे हैं और एडक्टर्स भी मजबूत हो रहे हैं। तो ये एक्सरसाइज आप इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है, इनिशियली। फिर जैसे जैसे आपको लगता है कि आपका स्ट्रांग हो रहा है, थोड़ा सा वीकनेस कम हो रहा है आपके नी के आसपास, फिर आप दूसरे एक्सरसाइज में प्रोग्रेस कर सकते हैं। तो अगला एक्सरसाइज के लिए आपको साइड लाइंग पोजीशन में आ जाना है। तो मेरे लेफ्ट नी में पेन था या फिर पीसीएल इंजरी था, तो मैं लेफ्ट साइड राइट साइड में लाइन में आ जाऊँगा और हमारा लेफ्ट जो पैर है वो ऊपर की तरफ रहेगा। और फिर इस पोजिशन में आपको दोनों पैरों को पूरी तरह से सीधा करना है, फिर इसे उठाना है, इस तरह से उठाइए, कम से कम 30 डिग्री तक उठा के रखिए, ज़्यादा नहीं उठाना है। फिर 5 सेकंड तक होल्ड करके रखेंगे। ये भी एक तरह से स्ट्रेट लेग रेज हो गया लेकिन ये साइड लाइन में है। इसे उठाइए, होल्ड करके रखिए, फिर नीचे उठाइए, 5 सेकंड तक होल्ड करके रखिए, फिर नीचे रख देंगे। इसे भी मिनिमम आपको 10 बार करना है, ठीक है। ये एक्सरसाइज से आपका हिप के बाहर वाला मसल्स स्ट्रांग हो रहा है। अब हम हिप के अंदर वाले मसल्स, नी के जो अंदर वाला जो हिप एडक्टर्स बोलते हैं, उसके लिए हम एक्सरसाइज करेंगे। उसमें आप इस तरह से सो जाएंगे, अपने दोनों घुटनों को बगल मोड़ देंगे, अपने हाथों को बगल में रख देंगे और अपने दोनों थाइस के बीच में दो तकिया ले लेंगे। आप तकिया को फोल्ड कर सकते हैं या फिर दो तकिया का लेयर बना करके इसे आप अपने थाइस के बीच में इसमें रखिए और फिर इसे प्रेस करेंगे। प्रेस करिए, फिर 5 सेकंड होल्ड करके रखिए, फिर रिलैक्स छोड़ दीजिए। प्रेस करिए, 5 सेकंड तक होल्ड करके रखेंगे, फिर रिलैक्स छोड़ देंगे। प्रेस करिए, फिर 5 सेकंड तक होल्ड करके रखेंगे, फिर इसे रिलैक्स छोड़ देंगे। कुछ एक्सरसाइजेस आपको बैठ के करना है, जैसे
आप इस तरह से बैठ जाएंगे पैर झुला करके, और आपका जो फुट है वो फ्लोर पे टच नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा ऊपर रहेगा। आप ऐसे बेड पे बैठे जो आपके थोड़ा सा ऊंचा हो, और फिर इस पोजीशन में फिर आप अपने नीज़ को इस तरह से सीधा करेंगे, ठीक है। इससे आपका स्ट्रेंथ भी बढ़ेगा, फ्लेक्सिबिलिटी भी बढ़ेगा नी के आसपास, ठीक है। तो इसको और थोड़ा सा इफ़ेक्टिव बनाने के लिए आप एक वेट कफ, 1 से 1.5 किलो का वेट कफ यहाँ पे लगा करके, बांध करके फिर आप ये एक्सरसाइज कर सकते हैं। वेट कफ ऑनलाइन अवेलेबल, ख़रीद सकते हैं, नहीं तो फिर आप 1 किलो का नमक पैकेट लेंगे, उसे आप तौलिया गमछा से लेकर के यहाँ पे अपने एंकल के पास बांध के वैसे भी आप ऐसे इस तरह ये एक्सरसाइज कर सकते हैं, ठीक है। ये भी एक तरह से क्वाड्रिसेप्स स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज है। उसके बाद जैसे जैसे आप आपका इम्प्रूवमेंट आएगा, आप थोड़ा सा खड़े होकर भी एक्सरसाइज करेंगे। खड़े होकर एक्सरसाइज करना का मतलब ये है कि आप इस तरह से खड़े हो जाएंगे और फिर अपने टोज को उठाएंगे, ठीक है, सॉरी हील्स को उठाएंगे, तो इसको हम लोग हील ऑफ एक्सरसाइज बोलेंगे, ठीक है। धीरे धीरे ये क्या है कि आपके लोअर लेग के आसपास जितने भी मांसपेशियों को इसको मजबूत करेगा। इन सब का असर आपके स्ट्रेंथ में, आपका जो नी के कंट्रोल में ज़रूर काम आता है, और इनडायरेक्टली ये आपके हीलिंग प्रोसेस को काफ़ी हेल्प करेगा, ठीक है।